नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं गेट नॉलेज चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइपरसोनिक कंपनी का एक बेस ट्यूब जो कि अब 12 इंची का स्पीकर लगा हुआ है। इसमें के अंदर जो स्पीकर है इसमें आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक वूफर के तरीके से जिसमें बेस आएगा सिर्फ, और एक फुल साउंड में इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मिड का साउंड आता है। पीछे बैक पैनल में आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको इनबिल्ट एम्पलीफायर मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ क्या क्या चीज़ दिया। तो सबसे पहले आ जाता है फ्यूज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का जो है, यहाँ मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 20 एम्पीयर का फ्यूज़ मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें जो सप्लाई रहता है आपका 12 वोल्ट का सप्लाई रिक्वायर्ड रहता है जो कि आप 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें जो सप्लाई दिया है वो AC सप्लाई से कन्वर्ट करके दिया है, कन्वर्ट करके जो दिखा भी दूंगा आपको किस तरीके से कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो 12 वोल्ट सप्लाई इसमें देना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपको मैं पहले फ्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए फ्यूज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्यूज़ में आपको छोटा सा यू कलर का जो सॉरी यू शेप का जो आपको वायर दिख रहा है, अगर वो टूट जाता है तो आपका जो एम्पलीफायर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है ग्राउंड 12 वोल्ट और रेमीटर जो आपका फ्लाई सेक्शन है। ठीक है, जो ग्राउंड 12 वोल्ट है वो मेन रहता है और जो रेमीटर रहता है वो आपका जो मेन आपका जब गाड़ी का जो चाबी से आप ऑन ऑफ करते हैं उसके लिए आपका रहता है। ठीक है, अभी हम लोग को रन करना है तो इसके 12 वोल्ट को डायरेक्ट कर दिए रेमीटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम में आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है क्रॉसवर। तो जो क्रॉसवर है इसमें आपको बेस और फुल मिल जाता है। बेस मतलब सिर्फ वूफर का साउंड आएगा, मतलब खाली लो फ्रिक्वेंसी आएगी, फुल मतलब पूरा हाई मिड वगैरह मिक्स होकर आपका जो साउंड आता है उसका आएगा। लास्ट में आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाता है और फिर नीचे आप देख सकते हैं ऑडियो आउट है, मतलब इससे आप दूसरे किसी एम्पलीफायर में आप जो इसका सिग्नल है दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है इनपुट सेक्शन मिल जाता है जहाँ पर आप अपना मोबाइल या फिर और चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वो मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ उसका साउंड कैसा, आप सुन लीजिए। पर वो आएगा। मालूम है।